जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, वी मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स डू नॉट मेक अस। आज अगर हम बात करें किसी भी गलती की, अगर आपने कोई गलती की है तो उसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे एक नया सवेरा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम मसन जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे फियर की पिछले एपिसोड में। डर, डर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढने जाएं तो बहुत ही कम है। जो अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने फियर पे कोप अप कर सकते हैं। जैसे बताया मैंने, ये एक ऐसा समय है जी जहाँ हर चीज चेंज हो रही है। करेक्ट। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, प्रकृति में चेंज आ रहा है, मनुष्य के इमोशन में परिवर्तन आ रहा है, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है। तो ये सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है और हमारा इस समय फोकस हो गया है पूरा इकोनॉमी पर कि जितना मेरे पास पैसा आएगा उतना मेरे में सिक्योरिटी आएगी। मेरे पास मकान होगा, कार होगा तो सिक्योरिटी होती है। तो हमने अपनी सिक्योरिटी को बाहरी चीज़ों से कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया। ओके। और उसके कारण हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल ना होने के कारण फिर डर आता है, क्योंकि लाइफ में हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया भी कि हम हर समय नोन से अननोन में जा रहे हैं, तो उस अननोन को केवल हम एंजॉय कर सकते हैं, उससे डरे नहीं। दो वर्ड हैं हिंदी के, भाग लो, भाग लो। इसका इंग्लिश मीनिंग है भाग लो, रन अवे, और दूसरा है पार्टिसिपेट। लाइफ में केवल हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रन अवे या पार्टिसिपेट। अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो अच्छी तरह करना, जैसे किसी भी गेम में खेलना है, मैराथन रन करना है, रन करना है, तो कोई भी गेम में हम एंजॉय करें, उसमें ये नहीं सोचें कि लूज हम हारेंगे या जीतेंगे। करेक्ट। उसमें पार्टिसिपेट करें, तो पार्टिसिपेट करेंगे तो डर नहीं आएगा। और जैसे ही माइंड में वो दो चीजें आती है, मेरे को जीतना है या मैं हारूंगा, तो हमारे में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। करेक्ट। तो नेचुरल लेवल पर जाकर मैच को खेलें। लाइफ के भी, लाइफ भी एक गेम है जिसमें हम मैच खेल रहे हैं, और कभी हमारा प्लस होता है, कभी माइनस होता है। माइनस से भी हम घबराएं नहीं, फेल्यूर एक नॉर्मल पार्ट है। ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, फेल का अर्थ ही है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ओके। एंड का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज। तो जब हमारे पास हर चीज को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, इतनी शक्ति हमारे मन में है, तो फेल्योर एक फिनोमेना है और हर व्यक्ति में कहीं ना कभी ड्रॉबैक्स आते हैं। करेक्ट। और मैंने ये देखा कि जितने ड्रॉबैक्स आते हैं उतना व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो उसका सक्सेस बन जाता है। मुझे याद आ रहा है जैक मा का, जिसने अलीबाबा ई कॉमर्स को क्रिएट किया जी। उसकी हिस्ट्री में मैंने देखा कि कई बार उसको प्रॉब्लम आए, कई बार रिजेक्ट किया गया,
फिर भी उसने बढ़ता गया और ई कॉमर्स को, बिजनेस को क्रिएट किया जो अब बिलियन टर्नओवर है जिसका। तो हर व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है, केवल उस समय वो घबरा नहीं जाए, रुक नहीं जाए। रुक गया तो फिर प्रॉब्लम शुरू होते हैं, फिर नेगेटिव फाइल्स खोलना शुरू हो जाते हैं। पर पार्टिसिपेट करता रहे, पार्टिसिपेट करता रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी उसको पुश करती है। अच्छा। नेचर का नियम है। पर रुक गया तो फिर प्रकृति भी रुक जाती है। तो पार्टिसिपेट करते रहें, उस समय एश्योरेंस करते रहें तो हम आगे बढ़ते रहते। अब बात कर रहे हैं हम फियर की। फियर में कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपने अंदर की जो वैल्यूज है, जो उसके अंदर की पोटेंशियल है वो खत्म हो जाती है। जब हम डर डर फील कर रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा डाउट किसी और चीज पे नहीं, अपने आप पर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए जिससे हम अपने अंदर का जो ये फियर है इसे ओवरकम करें और साथ ही साथ अपनी वैल्यूज को भी ना भूलें। जैसे मैंने बताया, फियर के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा ब्लड सप्लाई ब्रेन में ना होकर कहीं और चला जाता है। ब्रेन हमारा मेन पार्ट है जो डिसीशन लेता है। अगर वहाँ ब्लड सप्लाई ठीक नहीं रहता, एनॉक्सिया रहता, ऑक्सीजन कम रहता है, तो उसका इफेक्ट बॉडी पर आना शुरू होता है। और जब शुरू हो जाता है तो हमारा डिसीशन भी ठीक नहीं होता है। करेक्ट। और फिर पैनिक का साइकिल शुरू हो जाता है, और वो अगर साइकिल क्रिएट हुआ तो वो फिर कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहला काम यही है, उस साइकिल को रोकना, उस साइकिल को उसी समय स्टॉप करना। और जैसे ही पता लगे उस समय अपने को कहना कैंसिल, नो। जैसे ही मैंने पहला काम किया, मुझे पता लगने लगा इफेक्ट आ रहा है, और हमारा इंटेस्टाइन हमें कहता आ रहा है, यहाँ टाइटनेस आने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रीदिंग होल्ड होने लगती है, सांस रुकने लगती है, तो उसी समय पहला किया नो, और फिर ब्रीद आउट किया, सांस को छोड़ा। जितना हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, हमारा हार्ट और लंग्स काम करना शुरू करते हैं, वो एक रिदम पर आ जाते हैं। और जैसे ही इसका रिदम आ गया तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और फिर ब्रेन में सर्कुलेशन आ जाता है, और वापस हमारे में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होने लगता है, क्योंकि बीपी फॉल हो रहा है फियर में। अच्छा। क्योंकि ब्लड यहाँ आ गया दोनों पाँव में, तो ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, और उसके कारण चक्कर आने लगे, घबराहट आने लगी, हार्ट बीट बढ़ने लगी। करेक्ट। तो उस समय एक सेकंड अपने को स्टे किया, ब्रीद आउट किया, और कैंसिल किया, और फिर एक नया थॉट डाला अपने में, सिर पर हाथ रखा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं इस समय ठीक हूं। जब हम सिर पर हाथ रखते हैं क्या होता है, जब बड़े हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, गुरु सिर पर हाथ रखता है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी का चक्र खुल रहे हैं। करेक्ट। और सब चक्रों में एनर्जी आ जाती है। तो जैसे ही हमने अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, तो पूरी एनर्जी का लेवल ठीक होना शुरू होता है, और केवल एक सिंगल थॉट हमारे सब चीजों को बैलेंस में ले आता है। एक सांस को छोड़ा, और दूसरा अपने को एक पॉजिटिव थॉट दिया कि सब कुछ ठीक है। तो वो जैसा मैंने बताया, हमारा मन कहना मानता है, मन को केवल चाहिए एश्योरेंस,
पूरी साइकोथेरेपी काय पर काम करती है, एश्योरेंस पर। पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, डॉक्टर उनको कहता है सब कुछ ठीक है, डरो मत, सर्जरी ठीक होगी। तो जब उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है तो वो उनका डर कम हो जाता है। हम लोग खरीदने जाते हैं, दुकान वाला कहता है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मेरी गारंटी है, तो हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये वर्ड्स का ही गेम हो रहा है ना, शब्दों का एक्सचेंज हो रहा है, और वो शब्द ही हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो हमें अपने वातावरण को खुद को ही चेंज करना, कोई और नहीं कर रहा है तो मेरे को ही करना है। तो तब वो डर का जो एनवायरनमेंट बना है, एनर्जी बनी है, नेगेटिव ऑरा बना है, वो ठीक होना शुरू होगा। करेक्ट। जैसे मैंने बताया ऑरा भी क्रिएट कर दिया है ना हमने ही, ज्यादातर डर हमारे खुद के ही है ना। बिल्कुल। और उसको डीप में ले जाऊं, पूरा गेम लाइफ का केवल काय पर हो रहा है, माइंड और मैटर पर। अच्छा, माइंड और मैटर का, अगर हम माइंड नहीं करते हैं तो कोई मैटर की बात ही नहीं होती। हम माइंड करते हैं तो फिर वो डर क्रिएट होता है। तो माइंड करे नहीं तो पूरा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। पूरा इन दो चीजों के बीच में गेम है, माइंड एंड मैटर। इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। तो माइंड हम नहीं करेंगे यानी माइंड नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, हम इमोशनली उस पर अटैच नहीं हो जाए। और अगर इमोशनली मैं ट्रैप में नहीं हूं, उसमें फंस नहीं गया हूं, अटैच नहीं हूं, तो मैं माइंड नहीं कर रहा हूं। करेक्ट। और मैं साक्षी होकर गेम को खेल रहा हूं। पूरा स्पिरिचुअलिटी का गेम काय पर बताया गया, साक्षी होकर तेरे को खेलना है, जो लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुना को भी बताया कि तेरे को गेम तो खेलना है, मैच खेलना है, पर साक्षी होकर खेलना है। तो ये मत देख क्या हो रहा है, कौन है तेरे सराउंडिंग। तेरा इस समय काम है गेम को खेलना। इसी तरीके से हमें भी जो गेम इस समय दिया गया है, साक्षी होकर खेलना है, प्रेजेंट ना, प्रेजेंट में। मैं ये नहीं देख रहा हूं कौन है सामने। डर कब आ रहा है, जब मैं देख रहा हूं कौन है और कौन मुझे देख रहा है। फोकस ठीक रहेगा तो वो मैच को जीतेगा। तो इसी तरीके से अगर हम उसको अप्लाई करें डे टू डे लाइफ में, मैं अपना मन और बुद्धि को फोकस करके गेम को खेल रहा हूं, उससे अटैच नहीं हूं, ट्रैप में नहीं हूं, तो मैं इमोशनली साइकोलॉजिकली उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकूंगा। जहां मैं देख रहा हूं लोग मुझे देख रहे हैं और मैं लोगों को देख रहा हूं तो डर आएगा। क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपना इवेल्युएशन लोगों से करते हैं। लोग हमें कहते हैं ठीक हो, ठीक दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो हमें अच्छा लगता है। और वो कहते हैं अरे क्या दिख रहे हो, क्या बात है, तो हम डाउन हो जाते हैं। करेक्ट। तो पूरा गेम जो ये कम्युनिकेशन का चल रहा है, शब्दों का चल रहा, अब वो हमारे हाथ में है कि हम उनके शब्दों को लें या ना लें, एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। अगर हम उनको एक्सेप्ट करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट को, तो वो अंदर जाएगा और वो हमें डर क्रिएट करेगा। True। क्योंकि पूरा जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो सराउंडिंग लोग ही क्रिएट कर रहे हैं ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, 10 लोग हमें ऐसा कह रहे हैं, अरे मैं भी गया था, ऐसा होता है हॉस्पिटल में, इंजेक्शन से दर्द होता है, तो चाहे कितना भी अच्छा इंजेक्शन लगाएं फिर भी उसको पेन होगा ही होगा, क्योंकि उसका अंदर क्रिएट हो गया, एक प्रोफाइल बन गया, बायोडेटा बन गया। तो उस बायोडेटा को हमें अनलर्न करना पड़ता है। हैबिट्स हमने ही क्रिएट की। करेक्ट। हैबिट्स क्रिएट करने में लर्निंग वो है, और रिवाइज कर रहे हैं बार बार,
और हम उसको अनलर्न कर सकते हैं। और अनलर्न करने का तरीका है, किसी भी डर को ठीक करने का तरीका है, हमें वो प्रोग्राम को डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है, अभी मैं पूना गया था, एक माता आई, उसने कहा मेरे बच्चे को पानी से डर लगता है, फोबिया। और दूसरी माता ने कहा मेरे बच्चे को कुत्ते से डर लगता है, वो कुत्ता देखता है एकदम वो रिएक्ट करता है, पर मैं उनके एक रिलेटिव के पास कुत्ता, उससे डर नहीं लगता, बाकी स्ट्रीट डॉग जैसे ही देखता है पैनिक होता है, तो क्या करें। अब उसका तरीका है उसको कॉन्फिडेंटली कुत्ते के पास ले जाओ साथ में और उसको टच कराओ, 2-3 बार 5 बार वो टच करेगा तो वो अंदर सेंसेशन जाएगा। करेक्ट। और उसको लगेगा कि हर कुत्ता डेंजरस नहीं है। तो वो प्रोग्राम क्या हो रहा है, अनलर्न हो रहा है, नया आ रहा है कि नहीं हर कुत्ता डेंजरस नहीं है। करेक्ट। तो उससे टच कराओ, उसको फेस कराओ, पानी से डर लगता है पानी के पास ले जाओ, खुद साथ में खड़े रहो, पांव डाले, हाथ डाले, खेले, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ट्रू। तो तब वो हम उसको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। फियर का बेस्ट सोल्यूशन है फेस करना, FEAR, फेस एवरीथिंग एंड राइज, हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ, डर वहां से ही भागेगा, बाकी किसी चीज से भागेगा नहीं, वो काम करना ही पड़ेगा जिस चीज से डरते हैं। करेक्ट। स्विमिंग करना है तो पानी में जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो अगर डर लगता है धीरे धीरे उस डर को कम करा जाता है। ओके। तो ट्रेनर खड़ा रहता है, पहले ले जाएगा, फिर ले जाएगा, फिर डेप्थ में ले जाएगा। तो डिसेंसिटाइजेशन वो प्रोसेस है, जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसको फेस करो और माइंड में प्रोफाइल क्रिएट करो। मैंने जो सबसे अच्छी चीज सीखी यहाँ आकर ब्रह्मा कुमारी में, कि अपनी प्रोफाइल हमारे हाथ में है, पहले नहीं मालूम था, पहले अनवांटेड वो चीजें आ जाती थी, पर जब ये समझ में आ गया कि मेरे अंदर की प्रोफाइल मेरे हाथ में और मैं अपने अंदर प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ, रीप्रोग्राम कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो अगर मैं अपना स्क्रिप्ट रोज लिखूं तो वो स्क्रिप्ट अंदर जाएगी और वो पॉजिटिव फाइल टेक ओवर कर देगी नेगेटिव फाइल को। तो आप कहना चाह रहे हैं अगर मैं खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखूं, राइटिंग में एफर्मेशंस क्रिएट करूं, तो उससे जो प्रॉब्लम्स, जो फियर है मेरा, वो कम हो जाएगा, कम होगा, राइटिंग विल हेल्प। राइटिंग, क्योंकि राइटिंग से क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जब मैं लिख रहा हूँ मेरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ब्रेन में कनेक्ट हो रहा है। Correct. तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज को याद करना है तो लिखो, लिख के याद करो, और दूसरा उसको बार बार रिवाइज करो अंदर, और तीसरा है उसको रियलाइज करो इमोशनली साइकोलॉजिकली। तो जब हम रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो वो प्रोग्राम पक्का होता जाएगा। Okay. कहते हैं ना कि 21 दिन तक इस बात को रिवाइज करना, हम लोग पहले वो करते थे ना, मन माला का जपते। माला जपते थे। Correct. तो वही सिस्टम हमें क्रिएट करना है कि कम से कम 3 हफ्ते तक, 1 महीने तक उस बात को रिवाइज करते रहना, तो तब वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में चला जाता है और फाइल क्रिएट होता है और फिर वो अपने आप काम करता है। एक बार अगर वो फाइल क्रिएट हो गई तो वो नेचुरल वे में काम करेगी, जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा, सिचुएशन आएगी, फाइल खुलेगी, पर ये भी काम करना शुरू कर देगी। Very nice. फिर हमें बोलना नहीं पड़ेगा सब कुछ ठीक है, मैं शांत स्वरूप हूँ, वो अपने आप काम करेगी, मेरे को उस पावर को, उस गुण को अपने आप लाएगी उस समय जो जरूरी है जी, वो अपने आप आएगा। पर शुरू में थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ती है, माइंड का पूरा गेम ही चलता है ट्रेनिंग से। माइंड को जितना हम ट्रेन करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो माइंड हमारे कंट्रोल में
आ जाता है, कमांड में आ जाता है। इतना पावर है हमारे थॉट्स के अंदर में कि हम किसी भी फियर को ओवरकम कर सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? करेक्ट, क्योंकि पांच इंद्रियां हमारी वो कर रही है ना, करेक्ट, भगा रही है। करेक्ट, मैं उनको धीरे धीरे कंट्रोल में ला, इंफॉर्मेशन का जो इनपुट है उसको कम कर रहा हूँ, जो दे रही है उस समय मेरे में डर क्रिएट कर रही है उस इनपुट को मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, और मेरे अंदर का जो आउटपुट है वो मैं फ्लो कर रहा हूँ डर के अगेंस्ट। और डर के अगेंस्ट क्या चाहिए मेरे को? शक्ति चाहिए, करेज चाहिए। करेक्ट, तो मैं अंदर करेज का फ्लो कर रहा हूँ, और इसीलिए अगर मैं बार बार अपने को कहता हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तीन बार अपने को कहता हूँ, दिन में पांच बार कहता हूँ, तो वो फाइल धीरे धीरे अंदर जाएगी और न चाहते हुए वो पावर आता जाएगा, अवेकन होगा। कहते हैं ना अवेकन योर पोटेंशियल। करेक्ट, तो अवेकन वर्ड का अर्थ ही है कि अंदर है उसे क्रिएट, उसको मैं सामने ला रहा हूँ, स्मृति में ला रहा हूँ, और जितना स्मृति में आएगा उतना मेरी स्थिति अच्छी होगी। करेक्ट, और जितना स्मृति और स्थिति अच्छी होगी उतना वृत्ति में वो आ जाएगा, और वृत्ति से ही वाइब्रेशन बनते हैं, तो मेरे वाइब्रेशन का ऑरा भी पॉजिटिव होता जाएगा। और ऑरा पॉजिटिव होगा तो जो भी प्रॉब्लम आएंगे रुक जाएंगे। डॉक्टर साहब, फियर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक और एक पहलू आता है, वो आता है इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी जो है, जरूर हम लोग एक जमाना था कहते थे कि मौत से डर लगता है, आजकल तो जिंदगी से भी डर लगने लगा है, क्योंकि आज हम चाह करके भी अपने पूरी लाइफ पर कंट्रोल जो एक चाहते हैं वो हो नहीं पाता। जैसे आज मैं शुरू कर रही हूँ, दिन की शुरुआत कर रही हूँ, और सुबह ही कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट के साथ शुरुआत की है दिन की, तो कितना भी मैं चाहती हूँ तो पूरे दिन में उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और फिर वो फियर होने लगता है कि सुबह उठूंगी एक नेगेटिव थॉट आएगा और फिर पूरा दिन वैसा ही जाएगा। तो ये फियर को कैसे ओवरकम करें, ये जो सुबह उठते ही जो एक फियर रहता है कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, वो फियर उससे कैसे ओवरकम करें? पहली बात है, हम लाइफ को कंट्रोल नहीं करें, डू नॉट कंट्रोल। ओके, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल फ्लो को एंजॉय करना। लाइफ का अर्थ ही क्या हुआ? इन्फिनेट फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज लव। तो लाइफ एक फ्लो में चल रही है, एयर चल रहा है, पानी चल रहा है, अर्थ मूवमेंट कर रहा है, हर चीज फ्लो कर रही है, तो उसको मेरे को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल से ही डर आता है, स्ट्रेस होता है। मैं उस फ्लो में तैर रहा हूँ, स्विम कर रहा हूँ, रेजिस्ट नहीं कर रहा हूँ। जब हम रेजिस्ट करते हैं तो डर आता है, इनसिक्योरिटी आती है। मैं जस्ट फ्लो कर रहा हूँ और उस फ्लो को एंजॉय कर रहा हूँ, एस इट इज कमिंग, जैसा वो आ रहा है मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ फ्लो को। और सुबह उठकर मैं जैसे ही उठता हूँ, पलंग पर बैठता हूँ, उसी समय अपने को कहो आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं उठा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो टुडे इज ए गुड डे, टुडे इज माय डे। तो वो दो शब्द अपने को उसी समय कह दो। मैं ये सुनकर के ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अगर मैं करने लगूंगी तो कितना अच्छा लगने लगेगा। देखो आज का दिन अच्छा था ना, आप मिले, आप सामने आए, तो आज का दिन अच्छा था जी। तो जैसे ही हम अपने को कहते हैं, हमारा वो थॉट कनेक्ट करता है और उन लोगों से कनेक्ट करता है जिनमें वो पॉजिटिव थॉट आ रहा है, और वो लोग हमारे सामने आ जाते हैं जिनसे हमें कनेक्ट होना है ऑटोमेटिक। करेक्ट, तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, वो वेव खुद ही दूर कर देती है उन नेगेटिव लोगों से जिनसे हम सोच सकते हैं प्रॉब्लम आएगा, पर ऑटोमेटिक वो कनेक्शन आ जाता है। ओके, जब हम कहते हैं आज का दिन अच्छा है और आज मेरा दिन है, तो ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें से सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि आज का दिन बहुत अच्छा है। जब हम सुबह उठें, सबसे पहले अपने आप से कहें टुडे इज माय डे,
और आज का दिन बहुत खूबसूरत बीतेगा। अगर ये थॉट रहेगी अंदर में तो ऑटोमेटिकली हम महसूस करेंगे कि हमारा पूरा दिन उतना ही सुंदर बीतेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों आज हमने क्या जाना, फियर, जिसके बारे में आज हम इतनी सारी भ्रांतियाँ पाल कर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये जान ले कि उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसे फेस करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिले मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।